दोपहर से लेकर देर रात तक खुला उदयपुर के पैलेस का ताला, समर्थकों ने विभा सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के गाड़ियों पर किया पथराव, समर्थकों ने अंडे भी फेंके। खैरागढ़ विधानसभा के दिवंगत पूर्व विधायक देवव्रत सिंह के निधन होने के बाद हुए ऑडियो वीडियो वायरल से परिवार में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं स्वर्गीय देवव्रत सिंह के पुत्र आर्यव्रत सिंह एवं सताक्षी सिंह एवं साथ रही पद्मा सिंह के साथ उदयपुर पैलेस का ताला खोलने पहुंचे, जहां विधायक की दूसरी पत्नी विभा सिंह भी दोपहर को पहुंची, जिसे पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में कार से बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि वहीं स्वर्गीय देवव्रत सिंह के स्वर्गवास होने के पश्चात ही उदयपुर का पैलेस सील किया गया था, जहां पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ ताला खोलने दोपहर से लगा रहा। यहां दोनों पक्ष का आपसी तालमेल बिठाने के पश्चात देर रात तक ताला खोला गया। उदयपुर में देखते ही देखते ग्रामीण उग्र हुए। ग्रामीणों ने सुबह से देर रात तक डटे रहे और पथराव भी किए। पुलिस की गाड़ी को किया तोड़फोड़। पुलिस ने दौड़ाकर दिवंगत पूर्व विधायक के समर्थकों को पीटा। खैरागढ़ के उदयपुर में एसडीओपी ने ग्रामीणों पर लाठियां भी बरसाई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजनांदगांव जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम उदयपुर भी पहुंची और मोर्चा संभाला। खैरागढ़ से सुरेश कुमार वर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।